कोई दिन मरी गया और बाहर मरिया कोई भीतर मर गया वो करया मरिया कोई बने मरे गया Yeah.
भाई सुन लिया करो। केरी माँ इस धरती के ऊपर 56 करोड़ यादव थे। महाभारत से पहले 56 करोड़ यादव थे यदुवंश। केरी बेबी मर गए। कैसे मर गए क्या बताया? ओ, 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 ओ। छोड़ कुटम की आपस में जुट के मर गए। कुछ भागे हाँ? कुछ डूबे जल में, कुछ रण में डट के मर गए। और लगा समाधि तुरी आपद की, रोनी सुछट के मर गए। लगा समाधि तुरी आपद की, रोनी मर गए। उन दई रोवती छोड़ गोपनी, रोवती छोड़ गोपनी, वो खुद कृष्ण भगवान मर गया। नितिन पुणे भगत कृष्ण का विद्र छोड़ के हजारी सगड़ के बेटे हांगा कर बिहार मरे। अरे कंस कुकर्मी मान्या कोना, वे उग्र सेन गेर लाल मरे। अरे जिन कृष्ण ते वो पैर बांध लिया, वो दंत वक्र शिशुपाल मरे। जिन कृष्ण ते पैर बांध लिया, दंत वक्र शिशुपाल। तीन कदम थे धरती ना की, बताया तीन कदम से पूरी दुनिया नाप दी थी। बावना भगवान आया था, राजा बलि को छल्या था। वो शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु ने कहा कि इसके चक्कर में मत पड़ना, ये बावना जरूर है छोटा पर बड़ा खोटा। बलि कहने लगा, महाराज मैंने तो वचन दे दिया इनसे कि जो मांगो मांग लो। इन्होंने तीन कदम धरती नापी है, मांगी है, तो कहते हैं दो कदम के अंदर पूरा तीनों ब्रह्मांड नाप दिया। आखिरी जब कदम आया तो राजा बलि से बावना भगवान कहने लगे, वे बलि ये पग मैं कहां रखूं? तो कहते हैं बलि हाथ जोड़ के बावना भगवान के सामने खड़े हो गए कि हे महाराज ये कदम आप मेरे शीश पे रखिए। तो बताते हैं बावना भगवान ने जब बलि के शीश पे पैर रखा, बलि को पाताल भेज दिया। बलि कहने लगा, महाराज जो आपने मांगा मैंने दिया, मेरी भी एक प्रार्थना है आपसे। तो विष्णु भगवान के अवतार थे बावना भगवान। कहने लगे, बोलो जी क्या आप क्या चाहते हो बलि जी? कहने लगे, महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं। क्या? कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आप यहां पाताल में वास करो। तो सजनों बताते हैं, कहते देव सो गए। जब वो देव सो जाते हैं तो उसको बताते हैं विष्णु भगवान 4 महीने जाके पाताल के अंदर वास करते हैं। जिन तीन कदम तय